हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों दोस्तों आज मैं एक सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा हूँ, जो मुझे एक टावर स्पीकर बनाना था। उसके लिए कैपेसिटर चाहिए, जो ट्विटर के लिए मुझे यूज़ करना था। तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, सुपर वे 4.7 UF 250 वॉट के, जो मैंने अमेजोन की वेबसाइट पर चेक किया तो दो कैपेसिटर का प्राइस 500 रुपया था, एक का 250, दोनों का, दो कैपेसिटर का 500 रुपया प्राइस था। तो मुझे एक दूसरा वेबसाइट मिल गया, उस पर से मैंने ऑर्डर किया। तो मुझे, ये आप देख सकते हो, ये मुझे करीबन 33 रुपया और 90 पैसा में एक मिल गया, जो आप देख सकते हैं प्राइस। और टैक्स के साथ मुझे, मैंने चार कैपेसिटर का 235 रुपया, चार कैपेसिटर का मैंने पे किया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन 500 रुपये के दो नहीं है, ये दो 235 रुपये के मुझे चार ये मिल गए, चार एक के साथ ये चार मिल गए। और जो ये वही कैपेसिटर है जो 2 रुपये में मिलता है, और MFD भी वही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 4.7 UF 63 वॉट का है, और ये 4.7 UF 250 वॉट का है। लेकिन ये DC में यूज होता है और ये ऑडियो के लिए आता है। तो मैंने सोचा अगर ये लगाते हैं उसके बदले में ये लगा देते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है दोनों में, यही मुझे चेक करना था। इसलिए मैंने उसका टेस्टिंग कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो टेस्टिंग कर ही रहे हैं तो वीडियो भी बना देते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। पर ये उनका कहना है कि ये लॉन्ग टाइम नहीं रहता, कभी कभी क्या होता है ये बिगड़ जाता है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम आ जाता है साउंड के अंदर, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है ऐसे वो बता रहे हैं। और ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता लॉन्ग टाइम तक, और ये ऑडियो की नेटवर्क का जो कार्ड आता है उसमें यही लगाए हुए आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है ये वो बता रहे हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि ऑडियो के अंदर उसका यूज़ होता है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रियल में PC बोर्ड के अंदर यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक में जो आप देखते हैं IC आदि जो होता है उसमें उसका यूज़ होता है। तो अभी मुझे ये देखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है साउंड में। मैंने तो चेक कर लिया, मुझे को दोनों के साउंड में कुछ लंबा फ़र्क नहीं लगा। उसका साउंड थोड़ा सा ज़्यादा आता है, उसमें थोड़ा सॉफ्ट साउंड आता है। ये बाइपोलर है, ये बाइपोलर नहीं है। और दूसरा, ये बिगड़ जाने का खतरा ज़्यादा रहता है उसके अंदर, और उसके अंदर बिगड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये है। तो मैंने कहाँ से ख़रीदा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हैं। और ये पूरा पोस्ट सर्विस से मुझे मिला, जो पोस्ट में आता है वही सर्विस से मुझे मिला। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वेबसाइट है उसका, माधा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी कंप्यूटर की आइटम भी वहाँ से मिल सकती है। तो मैंने उसी पास से ऑर्डर किया, और कहीं पर भी मुझे कम प्राइस में नहीं मिलता था, तो ये मुझे चार 235 रुपये में मिल गए। और अमेजन पर मुझे ये सेम आइटम 250 रुपये में मिल रहा था, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 200, अमेजोन का वेबसाइट मैंने खोला है, आप देख सकते हैं, देखो ये वही है, 4.7 250 वॉट, कंपनी अलग है उसकी। और ये 519 रुपीज़ के दो मिलते हैं, देख लो, 519 रुपीज़ के दो मिलते हैं, और ये 235 रुपीज़ के चार मिलते हैं। तो बहुत अच्छा डील है। अभी उसका साउंड क्वालिटी चेक करना है, साउंड क्वालिटी उसका कैसा है। अभी दोस्तों मैंने ये लगा दिया है, और मैं साउंड ऑन करता हूँ, देखते हैं साउंड कैसा आता है।
जी दोस्तों, मैंने ये वाला लगा दिया है, देख लो। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि उसका बिगड़ जाने का खतरा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको बिगड़ जाने का कोई खतरा नहीं है। बस यही यही दोनों में डिफरेंस है, और प्राइस का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 2-3 रुपये में मिल जाता है और ये ज़्यादा पैसे में मिल जाता है। तो यस, मुझे यही वीडियो में आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। तो आप खरीदिए तो ऐसा ही कुछ लगाए, क्योंकि जो ट्विटर आता है ये तो रेगुलर ट्विटर है, लेकिन डोम ट्विटर ऐसा कुछ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे का आता है और बिगड़ने का खतरा बहुत रहता है। अगर ये बिगड़ गया तो ट्विटर बिगड़ने का ज़्यादा खतरा है, और उससे ट्विटर बिगड़ने का खतरा थोड़ा कम है। बस यही वीडियो था दोस्तों, अच्छा लगे तो कॉमेंट में कुछ लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।